दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री के यादगार सॉन्ग परदेसी परदेसी में नजर आई कल्पना अय्यर तो आपको याद ही होगी, जो कुछ सेकंड्स की ही स्क्रीन प्रेजेंस से लोगों के जहन में बस गई थी। तो वहीं इसके साथ ही इन्होंने बॉलीवुड में और भी कई यादगार फिल्में देकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को काफी ज्यादा सफल बनाया। लेकिन दोस्तों प्रोफेशनल लाइफ में सफल रहने वाली कल्पना अय्यर आज 67 की उम्र में भी अब तक कुंवारी है। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने एक समय पर किसी से सच्ची मोहब्बत की थी, पर अफसोस किन्हीं कारणों से इनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन्होंने उसी शख्स के प्यार में अकेले अपनी पूरी जिंदगी गुजार डाली। तभी तो हर कोई यही कहता है कि प्यार करे तो कोई कल्पना अय्यर जैसा करे, और इसलिए आज हम आपको उसी शख्स से रूबरू कराने वाले हैं जिनके प्यार में कल्पना अय्यर ने पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां फिल्मों में हमें हमेशा ही काफी दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानियां देखने को मिलती है, तो वहीं रियल लाइफ में भी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी ही कई प्रेम कहानियां सुनने को मिल जाती है। और उन्हीं में से एक प्रेम कहानी है अभिनेत्री कल्पना अय्यर की, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है, जिन्होंने 70 के दशक में एक अलग ही आइटम नंबर्स को एक पहचान और परिभाषा दी थी, और जिनके ऊपर एक समय पर ना जाने कितने ही लड़कों का दिल फिसल जाता था। पर इसके बावजूद कल्पना ने तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही शख्स से प्यार किया, जिनका ये प्यार इतना गहरा था कि कल्पना अय्यर अपने उसी प्यार के लिए आज तक अकेली है। और बात करें उस शख्स की, तो बता दें वो और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के गब्बर कहे जाने वाले अभिनेता अमजद खान हैं, जिनके प्यार की शुरुआत किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान नहीं बल्कि एक स्टूडियो से हुई थी, जहां दोनों अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए पहुंचे थे। स्टूडियो की इस पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, और इसी दौरान धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें हुई, और ये मुलाकातें कब प्यार में बदल गई दोनों को पता नहीं चला। पर जिस वक्त कल्पना अय्यर और अमजद खान एक दूसरे के प्यार में पड़े थे, उस वक्त अमजद खान शैला खान के साथ शादी के बंधन में बन चुके थे और 3 बच्चों के पिता भी बन चुके थे। हालांकि एक इस्लामी परिवार से ताल्लुक रखने के मुताबिक अमजद खान अपनी जिंदगी में 4 शादियां कर सकते थे, लेकिन अमजद खान को भी कभी भी कल्पना ने शादी के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि कल्पना और अमजद अच्छे से जानते थे कि अगर वो दोनों शादी करते हैं तो अमजद के भरे पूरे परिवार में तूफान आ जाएगा। इसलिए दोनों ने शादी नहीं की और एक दूसरे के साथ प्यार की दास्तां जारी रखी, जिसके चलते उनका परिवार भी नहीं बिखरा और उनका अफेयर भी चलता रहा। और वहीं उसी बीच इस कपल के बीच ग्रहण लग गया, और उसी ग्रहण की वजह से अमजद खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अभिनेत्री कल्पना अय्यर अमजद खान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी कि इन्होंने अमजद खान की मौत के बाद किसी और से शादी नहीं की। बता दें कल्पना आज फिल्मी दुनिया से दूर दुबई में रहती है, जहाँ ये अपना रेस्टोरेंट का कारोबार संभाल रही है। जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कुछ तकलीफ़ें और परेशानियों के चलते मैं दुबई आई, निजी तौर पर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनसे मैं बुरी तरह टूट गई और मेरी वजह से मेरी फैमिली को भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। कल्पना अय्यर भी इन बातों से साफ करती है कि वो अमजद से आज भी कितना प्यार करती है और उनकी ज़िंदगी में उनके जाने के बाद कितना गम है। वेल दोस्तों, कल्पना अय्यर की इस लव स्टोरी के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।